नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नवी मुंबई जीएस ब्लॉग। दोस्तों ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जेएनपीटी की तरफ जा रहा है और लेफ्ट में उरण है, ये साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो पीछे से जो गाड़ी आ रही है ये पनवेल बाईपास से होते हुए यहाँ जेएनपीटी की तरफ उरण की तरफ जा रही है, ये देखिए आप देख सकते हैं। पनवेल बाईपास कलमबोली या फिर पलसपा फाटा से ये गाड़ियाँ यहाँ तक आती है। और ये जो राइट में आप फ्लाईओवर आपको दिखाई दे रहा है ये सीबीडी बेलापुर से झांसी से जो आता है हाईवे उरण की तरफ, ये वो सामने आपको फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है। आज हम जा रहे हैं द्रोणागिरी सिटी की सिडको कॉलोनीज का राउंड लगाने, आइए चलते हैं। ये देखिए आप, जेएनपीटी के लिए आपको सीधा जाना है यहाँ से और उरण के लिए आपको यहाँ से लेफ्ट में जाना है, तो हमें द्रोणागिरी में जाना है इसलिए हम लोग यहाँ से लेफ्ट में जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं द्रोणागिरी की सिडको कॉलोनीज। आज यहाँ पे काफ़ी बारिश है तो कैमरे के ग्लास पे अगर पानी थोड़ा जम जाए तो थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है वीडियो में। दोस्तों ये राइट से जो रास्ता आ रहा है यही वो रास्ता है जो सीबीडी बेलापुर से होते हुए जासई से होते हुए उरण की तरफ जाता है। हम भी सीधा जा रहे हैं द्रोणागिरी सिटी के लिए, तो आइए आगे चल के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको राइट साइड में जेएनपीटी हाउसिंग कॉलोनी यहाँ पे दिखेगी और ठीक उसके सामने लेफ्ट साइड में द्रोणागिरी सिटीज की सिडको कॉलोनीज है। ये देखिए ये राइट साइड में जेएनपीटी हाउसिंग कॉलोनी का गेट दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, जेएनपीटी हाउसिंग कॉलोनी सामने है और ठीक उसके सामने लेफ्ट साइड में आपको द्रोणागिरी सिटीज की सिडको कॉलोनीज दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे बिल्डिंग्स, तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये आगे का लेफ्ट जो जा रहा है अंदर, वो लेफ्ट साइड जा रही है सिडको कॉलोनीज की तरफ। ये देखिए यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। ये देखिए सामने ही सिडको कॉलोनीज, चलिए अंदर चल के देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग गेट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ है इसलिए कैमरे पे थोड़ा पानी जम रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे सिडको की बिल्डिंग्स का हुआ है, ये म्हाड़ा से भी बहुत अच्छा काम लग रहा है। यहाँ पे गार्डन भी दिया गया है इनको, पार्किंग की जगह भी बहुत है। चलिए एक राउंड लगाते हैं।
और देखते कितनी बिल्डिंग्स यहाँ पे द्रोणागिरी सिटी में बनी हुई है सिडकों सी। आइए चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स बन चुकी है सिडको कॉलोनीज़ की द्रोणागिरी सिटी में। इनका शायद ड्रॉ भी हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे लोग रहने को आ गए हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर यहाँ पे काम हुआ है बिल्डिंग्स का, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है यहाँ पे पार्किंग्स के लिए। द्रोणागिरी सिटी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलप होने वाली है, क्योंकि लोकल जो नेरुल से नवी मुंबई की उलवे तक या फिर खारकोपर तक आई हुई है उसका आखिरी स्टेशन यहाँ पे द्रोणागिरी या फिर उरण ही होने वाला है। और हाईवेज का काम भी इतना बेहतर यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे सीबीडी बेलापुर से आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा या पौना घंटा लग सकता है। आइए अभी हम लोग यहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी पे और भी कुछ बिल्डिंग है, उनका भी एक राउंड लगाते हैं बाहर जाके। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं उन बिल्डिंग्स के बाद हम लोग यहाँ पे वापस मेन रोड पे आ चुके हैं और अभी फिर से यहाँ से लेफ़्ट लेके उरण की तरफ जा रहा है रास्ता। ये उरण द्रोणागिरी सिटी की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में स्कूल कॉलेज अभी क्रॉस करने के बाद सामने लेफ़्ट साइड में फिर से दूसरी सिडको कॉलोनीज की बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से लेफ़्ट रास्ता जा रहा है अंदर की तरफ, तो चलिए इन बिल्डिंग्स का भी एक चक्कर लगाते हैं। ये देखिए इन बिल्डिंग्स में भी काफ़ी फ्लैट्स में लोग रहने को आ चुके हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स है सिडको की। स्पेस भी बहुत अच्छा है, फ्लैट्स का डिज़ाइन भी बहुत यहाँ पे बढ़िया है। बिल्डिंग्स का गेट है बहुत अच्छे, सिक्योरिटीज़ कैबिन्स है। तो चलिए यहाँ से फिर मेन रोड की तरफ चलते हैं।
चलिए दोस्तों, द्रोणागिरी सिटीज़ की सिडकोस कॉलोनीज़ का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज यहाँ पे काफ़ी बारिश है, वरना मैं द्रोणागिरी सिटी में जाके भी दूसरी वीडियो बनाने वाला था। चलिए कुछ दिनों बाद ज़रूर बनाते हैं द्रोणागिरी सिटीज़ का वीडियो, और भी इसी प्रकार की नवी मुंबई की इंटरेस्टिंग मोटो व्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल नवी मुंबई जीएस व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं, यहाँ से राइट लेके हम लोग अभी सीबीडी बेलापुर की तरफ जा रहे हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलते अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।